हम चढ़ाई शुरू करेंगे, जब ये कुंडलिनी शक्ति जागेगी, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, ये सिर के जो पीछे का जो भाग है, यहाँ चढ़ेगी, तो आपको ये धीरे धीरे चीजें अपने आप पता चलने लगेंगी, सामने वाले के संकल्प अपने आप आने लगेंगे। जब आप आज्ञा चक्र से आगे बढ़ोगे, सुषुम्ना आकर के आज्ञा चक्र में समा जाएगी और एक एनर्जी जा करके पीछे यहाँ जहाँ रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है, इसे एक आधा इंच ऊपर जब चढ़ेगी, तब आप यहाँ रीढ़ की हड्डी से चीटियाँ सींच लेंगी, सुन्न हो जाएगा सिर का वो भाग। जब सिर का वो भाग सुन्न हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। कभी ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, कभी शांत हो जाएगा, कभी अपने आप आंखें बंद होने लगेंगी, कभी विचार समाप्त हो जाएंगे, कभी साधना का नहीं पता चलेगा, कभी भोजन का पता नहीं चलेगा, कभी ये नहीं पता चलेगा सुबह है या शाम है, कब बैठा था मैं, कब उठा हूँ, नहीं पता चलेगा। तो साधना शुरू हो जाएगी, चढ़ाई शुरू हो जाएगी। छोटे बच्चे का देखना आप, जब वो पैदा होता है, यहाँ से सिर हिलता रहता है, धड़कता रहता है, धड़कता रहता है। आपने देख तो लिया, लेकिन समझाने उस रहस्य को, जब उसका छोटा सा सिर होता है, जब वो धड़कता है, तो इसी प्रकार से आपके अंदर में वो स्थिर हो गया है, उसको जो एनर्जी थी वो नहीं मिल रही। उस समय के ऊपर वो बच्चा विचार शून्य था, उस समय उसकी स्थिति बहुत अच्छी थी, न उसके अंदर कोई विकार था, न उसके अंदर कोई वासना थी, न कोई विचार था, न कोई अपना पराया था, न संसार की इच्छाएं थी, न कोई जरूरतें थी। कोई दूध पिला देता पी लेता, नहीं पिलाता तो चिल्लाता, कुछ भी इच्छा नहीं थी उनकी। तो बिना इच्छाओं के, इच्छा के रहित वो हो गए थे, और इच्छा के रहित होते ही वो चल रहा था। जो जो इच्छाएं बढ़ती गई, वो धीरे धीरे दबता गया, धीरे धीरे कमजोर होता गया, और वो इस प्रकार से ऊपर जम गया कि अंदर हिलाए हुए भी हिल नहीं रहा, न कोई क्रिया हो रही, न कोई प्रतिक्रिया हो रही। जब आप साधना करोगे, शक्ति यहाँ पहुँचेगी, आपको पता चलेगा, दर्द का एहसास होगा, चक्कर आने लगेंगे, जम जाएगा सब कुछ, शांत हो जाएगा कुछ, लेकिन हम उस ओर न बढ़ करके सांसारिक पदार्थों के अंदर, सांसारिक विषय वासनाओं के अंदर, छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उस अनंत अनंत लाभ को भूल जाते हैं, जिसको पाने के लिए हम इस संसार के अंदर आए हैं, जिसको पाए बिना जीवन मुक्त नहीं हो सकता। जीव उस परमात्मा को प्राप्त किए बगैर कितना भी प्रयास कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, जीवन मुक्त नहीं हो सकते। आपको बहुत सी चीजें नित्य नजर आती हैं, आप तो छोटी छोटी वस्तुओं को ही नित्य मान लेते हो कि मैंने ये घर बना दिया, अपनी तो बस निकल जाएगी आयु, इस घर में अपनी तो आयु पार हो जाएगी, सब सुख सुविधाएं हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। एक छोटे से जो 150 साल चलेगा उसको नित्य मान लेते हो, फिर सूर्य और चंद्रमा और प्रकृति तो बहुत वर्षों से, हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से चल रही है, उसको तो नित्य मान ही लोगे। फिर जो हमारे देवता हैं उनको नित्य मान लेते हैं, इनका कभी नाश नहीं होगा, ये कभी नष्ट नहीं होंगे, इनकी ताकत है, ताकत बढ़ती जाएगी, और ये सदा से है, सदा से नहीं है, उनका भी जन्म हुआ है, जिसका जन्म हुआ है मृत्यु भी निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। कितने भी अवतार हुए, कितने भी पीर पैगंबर हुए, कितना भी कुछ भी हुआ, किस जिस जिसके नाम सुने आपने, क्या वो आज आपको दिखाई देते हैं? नहीं, मिट गए वो, सब कोई मिट जाता है, लेकिन वो परमपिता परमेश्वर जो सारी सृष्टि का रचने वाला है, सारे ब्रह्मांडों का मालिक है, सब कुछ जानने वाला है, सबके ऊपर कंट्रोल करने वाला है, हम इन चीज़ों के विषय में तो खोजते हैं कि कौन देवता ने क्या किया, महाभारत में क्या हुआ, रामायण में क्या हुआ,
वेदों में क्या हुआ, किस प्रकार से कौन सा ग्रंथ लिखा गया, लेकिन हम इनसे सीख नहीं लेते। निरीक्षण तो करते हैं, आत्म निरीक्षण नहीं करते। जब आत्म निरीक्षण करने लगेंगे, सीखने लगेंगे, समझने लगेंगे, जानने लगेंगे, तो जब हम जानने लगेंगे तो ज्ञान बाहर से इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा, पुस्तकों से ढूंढना नहीं पड़ेगा, इधर उधर से दो चार बातें ले करके सुनानी नहीं पड़ेंगी। मौन हो जाओगे आप, अंदर में ज्ञान उतरने लगेगा, अनुभव बताने लगोगे, और अनुभव जब आप मुंह खोलते ही जिन्होंने चढ़ाई की है, जिन्होंने प्राप्त किया उस परमात्मा को, जिन्होंने खोज कर रखी है, जो अपने को पाए हुए बैठे हैं, वो आपके मुंह खोलते ही बता देंगे आप क्या स्थिति में हो। और आप बोलोगे कुछ, सोचोगे कुछ, होगा कुछ, वो मुस्कुरा करके टाल देंगे कि आप फंसे हुए हो, बोल कुछ रहे हो कुछ रही है, क्रिया कुछ है, प्रतिक्रिया कुछ है, तो किस प्रकार से आप चढ़ाई करोगे। अरे अगर हम चढ़ाई में ही सत्य नहीं बोल पाए, अगर हम ज्ञान में ही सत्य नहीं बोल पाए, अगर हम साधना में ही सत्य नहीं बोल पाए, तो किस प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति होगी, नहीं हो सकती। जब इस अवस्था में पहुंच जाए, जब कुंडलिनी शक्ति इस रीढ़ को पार कर जाए, तो बहुत सावधान होना पड़ता है। आचार व्यवहार विचार और संसार, हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है, अपना आचार व्यवहार बदलना पड़ता है, एक एक चीज कंट्रोल में रखनी पड़ती है, शब्दों को कंट्रोल में करके बोलना पड़ता है, सीमित बोलना पड़ता है, एक एक शब्द का गूढ़ रहस्य होता है, एक शब्द कहाँ तक चला जाए किसी को अंदाजा नहीं। सारी सृष्टि को भी एक शब्द हिला सकता है और सारी सृष्टि को भी एक शब्द पैदा कर सकता है, शब्द के अंदर इतनी एक क्षमता होती है। तो सब कुछ सोच करके बोलना पड़ता है, सब कुछ सोच करके करना पड़ता है, भोजन सोच करके करना पड़ता है, और जो भी कमाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसमें ईमानदारी की आवश्यकता होती है, जो भी धन कमा रहे हैं, संयम की आवश्यकता होती है, घर में रह रहे हैं, भोग विलास में भी संयम की आवश्यकता होती है, परिवार में भी संयम की आवश्यकता होती है, हर वस्तु में संयम की आवश्यकता होती है, मेहनत की आवश्यकता होती है, व्यवहार भी पशु पक्षियों से लेकर के मानव तक सबके साथ व्यवहार बदलना पड़ता है, प्रेम का जो झरना है वो खुलने लगता है, और सब कुछ बदलना पड़ता है।